जतिन कंपटीशन क्लास में मोस्ट वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले दो दिनों से आपको कक्षा 10 में का जो सामा सोशल साइंस है उसके फर्स्ट लेसन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वही पार्ट रहेगा हमारा संसाधन और विकास, और जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं भू उपयोग से कि भारत में जो भू उपयोग होगा उसका प्रारूप कैसा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम भूमि, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि भूमि उपयोग को या भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी भू उपयोग को भारत में निर्धारित करने वाले जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम एक नंबर पे पढ़ते हैं भौतिक कारक, एक नंबर पे हम पढ़ते हैं भौतिक कारक। अब इस भौतिक कारक में क्या क्या आएगा, इस भौतिक कारक में क्या क्या आएगा, इसमें देखिए एक नंबर पे आएगा भू आकृति, अर्थात भूमि की आकृति कैसा होगी। दूसरा नंबर, पहला पॉइंट भू आकृति, दूसरा पॉइंट है जलवायु, दूसरा पॉइंट है जलवायु, और तीन नंबर पे आता है मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें पहला कारक भौतिक कारक, भौतिक कारकों में आते भूमि की आकृति, जलवायु और मिट्टी का प्रकार। उसके बाद देखते हैं जो दूसरा कारक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा कारक है, पहला भौतिक कारक था और दूसरा कारक है मानवीय कारक, दूसरा कारक है हमारा मानवीय कारक। देखिए फ्रेंड्स, मानवीय कारक में क्या क्या आएगा, देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें आएगा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वो उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में जो दूसरा कारक है हमारा मानवीय कारक है, और मानवीय कारकों में भी एक नंबर पे जो आता है वो है हमारा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद दूसरा आता है इसमें प्रौद्योगिकी, दूसरा कारण है हमारा प्रौद्योगिकी क्षमता, दूसरा कारक है हमारा प्रौद्योगिकी क्षमता, और तीसरा और जो इंपॉर्टेंट कारक है वो हमारा आता है संस्कृति व परंपराएं, संस्कृति व परंपराएं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले दो प्रकार के तत्व है कि भूमि का उपयोग किन किन चीजों के अंदर होगा। पहला कारक भौतिक कारक था जिसमें तीन तथ्य आ गए, भू आकृति की भूमि की आकृति कैसी है, जलवायु वहां की कैसी है, और मिट्टी का प्रकार कैसा है। उसके बाद जो दूसरा कारक था वो था हमारे मानवीय कारक, और मानवीय कारकों में तीन तत्व आ रहे हैं जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति। तीसरा कारण है, कारक है संस्कृति व परंपराएं। उसके बाद देखते हैं हम और इम्पोर्टेंट तथ्य कुछ इसमें। देखिए फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान से इसको सुनिए और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, भारत का क्षेत्रफल। याद रखना, पहले पिछले क्लासों में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वो अपने भारत का क्षेत्रफल है। अब इसमें से केवल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से केवल 93% भूमि के ही
ही आंकड़े उपलब्ध हैं। आंकड़े उपलब्ध है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो 100% भूमि है भारत के पास, उस 100 के 100% आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारे पास मात्र 93% आंकड़े ही उपलब्ध है। अब देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, जो 7% बच रहा है वो किधर के बसते हैं। याद रखना कि जो पूर्वोत्तर भारत है जिसको सात बहनों के नाम से जाना जाता है, सात बहनें, याद रखना ये जो सात बहनें हैं, सात राज्य हैं, उनको कह रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के। असम को छोड़कर बाकी कहीं के भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। बाकी कहीं के भी आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे पास, भारत के पास केवल 93% भूमि के ही आंकड़े उपलब्ध है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो, एक तो हमारी ये वाली चीज आ गई कि यहाँ के आंकड़े हमारे पास नहीं है। उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ कि कहाँ के आंकड़े हमारे पास नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो जम्मू कश्मीर राज्य था, वर्तमान में उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत, जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र तथा चीन अधिकृत क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो अब आपके सामने ये दो चीज और स्पष्ट हो गई होंगी कि 93% आंकड़े हैं, उनमें से जो बाकी का 7% आंकड़े बसते हैं वो आंकड़े अपने कहां कहां के नहीं है। एक तो पूर्वोत्तर भारत में आ जाएगा असम को छोड़ करके, और एक जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां पर चीन ने कब्जा कर रखा है, और एक जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां के आंकड़े हैं जो हमारे देश के पास उपलब्ध नहीं है। ये हमने अभी भारत के भूमि उपयोग का प्रारूप पढ़ा कि उसको कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, किन कारकों से वो प्रभावित हो रही है। भारत का क्षेत्रफल देखा हमने और देखा कि कितने क्षेत्रफल के हमारे पास भू उपयोग के आंकड़े हैं और कितना परसेंट क्षेत्रफल है जो इसमें बसता है। 93% भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास थे और जो बाकी का 7% बसता है वो कहाँ का था, बता दिया मैंने आपको कि पूर्वोत्तर भारत में तो असम राज्य को छोड़कर कहीं के आंकड़े नहीं है, और जम्मू का वो क्षेत्र जहां पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है, उस भूमि उपयोग के आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पर भूमि उपयोग का जो सर्वेक्षण है उसका कार्य नहीं किया गया। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट इसी चैप्टर के अंदर, जो अब हम आगे अपने इस पाठ के अंदर भू उपयोग प्रारूप के अलावा अगला जो हम पॉइंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, टॉपिक इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा भूमि निम्नीकरण। कल भी मैंने आपको बताया था कि भूमि निम्नीकरण क्या है, आज मैं पुनः आपको इसको स्पष्ट कर रही हूं। ये कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा जैसे, वो मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे वनोन्मूलन यानी वनों का विनाश हो रहा है, अति पशुचारण, वनोन्मूलन अति पशुचारण यानी ज्यादा पशु चराने से, और खनन कार्य से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा
क्रियाओं के द्वारा होता है और उन मानवीय क्रियाओं के अंदर वनोन्मूलन, वनों का नष्ट होना है, अति पशुचारण है और पहाड़ी और जंगल वाले क्षेत्रों में जो खनन कार्य होता है उससे भूमि का निम्नीकरण है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये था भूमि निम्नीकरण। अब है भूमि निम्नीकरण का संरक्षण कैसे किया जाए, यानी इसको कैसे रोका जाए, संरक्षण के उपाय। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इन्हें अपने नोटबुक में नोट करेंगे। देखिए, इनके जो उपाय हैं, किस चीज के उपाय, कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय, संरक्षण के उपाय। सबसे पहला है वनारोपण। वनारोपण कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर हमें पेड़ लगाने हैं ताकि जो हमने पेड़ काटे हैं उसकी पूर्ति हो सके। दूसरा पॉइंट है चारागाहों का उचित प्रबंधन। चारागाहों का उचित प्रबंधन इंपॉर्टेंट है। जो कारक था उसी से संबंधित हमें संरक्षण के उपाय के अंदर है पॉइंट देने हैं। तीसरा है पशु चारागाहों का क्या पशु। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है पशुचारण पर नियंत्रण करना। पशुचारण पर नियंत्रण करना ताकि चारागाहों का विकास है उससे अच्छी तरह से हो सके। पशुचारण पर नियंत्रण करना है, चारागाहों का हमें उचित प्रबंधन करना है और वनों का रोपण करना है ताकि हमने जो पेड़ काटे थे उन चीजों की भरपाई हो सके। तीन पॉइंट हमने देखे। जो चौथा पॉइंट है वो इसके अंदर संरक्षण वाला, रेतीले टीलों पर इंपोर्टेंट है। रेतीले टीलों पर कटीली झाड़ियां लगाकर, रेतीले टीलों पर कटीली झाड़ियां लगाकर उनका स्त्रीकरण करना। उनका स्त्रीकरण करना कि जो रेतीले टीले हैं वहां कटीली झाड़ियां लगाकर उन टीलों का हमें स्त्रीकरण करना है, यानी उन टीलों को वहीं पर बनाए रखना है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना वो भी हमारे जो भूमि निम्नीकरण है उस समस्या को दूर करने का एक उपाय है। और छठा और इसका अंतिम जो पॉइंट है वो है डियर स्टूडेंट्स, खनन नियंत्रण। कि जो हमारे पहाड़ों में, जंगलों के अंदर, वनों बनिए वाले क्षेत्र में या आसपास मानव आबादी के आसपास जो खनन हो रहा है उस खनन पर भी हमें नियंत्रण करना है। तो मैंने आपको भी जब छोटे छोटे टॉप टॉपिक बताए हैं। देखो, एक भूमि निम्नीकरण जो मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप हो रहा है, और दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको भूमि निम्नीकरण या भूमि के संरक्षण को करने का उपाय। संरक्षण वाले उपायों में वन रोपण है, पेड़ों की हमें कतारें लगानी है, पेड़ लगाने हैं, चरागाहों को उचित प्रबंधन करना है, पशुचारण पर हमें नियंत्रण करना है, रेतीली टीलों पर कटीली झाड़ियां लगाकर उनका स्त्रीकरण करना है और बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना है, साथ ही हमें खनन पर भी नियंत्रण करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट इसी के अंदर, संसाधन और विकास वाले पार्ट में ही, जो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपके छोटे छोटे पॉइंट है जो क्लियर होते रहे। कि मृदा संसाधन अभी हमने भूमि के बारे में पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं मृदा संसाधन कि मिट्टी है वो एक संसाधन कैसे है। देखिए, लिखते हैं हम कि मिट्टी एक नवीनतम प्राकृतिक
एवं प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, इंपोर्टेंट है कि मिट्टी है जो एक नवीनतम प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखते हैं कि मिट्टी में मिट्टी हमारे लिए संसाधन कैसे है। देखिए, पौधों के विकास के लिए, पौधों के विकास के लिए मिट्टी ही माध्यम है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी ही माध्यम है। तो पौधों के विकास के लिए जो संसाधन हो गई है वो हमारी मिट्टी हो गई है। और ये जो मिट्टी है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी ही माध्यम है। जो किसके बारे में बात करें, मिट्टी के बारे में, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, जीवों का पोषण करती है। समझ में आ गया अब आपको कि मिट्टी कैसे संसाधन है। मिट्टी एक नवीनतम प्राकृतिक संसाधन और महत्वपूर्ण है, जो पौधों के विकास के लिए मिट्टी माध्यम है और जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासों में भी हमने मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में खूब अच्छी जानकारी ली है, खूब अच्छा हमने पढ़ा है। मैं इसमें आपको इसके वर्गीकरण के क्या आधार है वो बता देती हूँ। बाकी जो मिट्टी वाली क्लास है हमारी, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी कि कौन कौन सी मिट्टी है, कहाँ कहाँ का प्रयोग पाई जाती है। अब मिट्टी के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले जो तत्व वो बता देती हूँ आपको। देखो, मृदा यानी मिट्टी, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों को निर्धारित करने वाले तत्वों करने वाले तत्वों मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग गहराई, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग गहराई, गठन, आयु, गठन आयु और रासायनिक तथा और रासायनिक तथा और रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर तथा भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न भागों में बांटा बांटा गया है। देखिए, मृदा संसाधन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मिट्टी को एक नवीनतम प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। मिट्टी पौधों के विकास के लिए मिट्टी माध्यम है और जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। इन तीन लाइनों से समझ में आ रहा है कि मिट्टी भी एक संसाधन है। अब हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। तो मिट्टी का वर्गीकरण होता कैसे है, क्या क्या चीजें उसके लिए आवश्यक है। देखिए, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो तत्व है वो उनका रंग है वो गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न भागों में बांटा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको बाद में नोट करने में आसानी रहे। आगे हम देखते हैं कि मिट्टी के कौन कौन से भाग हैं, यानी कितने कितने भागों के अंदर उसको बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं
मिट्टी का एक प्रकार जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। एक नंबर पे लिखिए आप जलोढ़ मिट्टी। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी है कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र। संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान, संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान अपने गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो बनाए गए हैं वहां, उसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान, संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान जो महानदी व गोदावरी, जो महानदी व गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों द्वारा बनाया गया है, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित है। उस पूर्वी तटीय मैदान के अंदर भी अपने जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं कि क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है। देखिए ये मिट्टी है अत्यधिक उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी? हमारे जलोढ़ मिट्टी। अतः यहां गहन कृषि की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गहन कृषि की जाती है। तो हमें पूछ लिया जाए कि गहन कृषि है कौन सी मिट्टी में की जाएगी, तो हमारा उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। अब गहन कृषि यहाँ की जा रही है, उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ का जो जनघनत्व होगा, यहाँ का जो जनघनत्व होगा वो भी ज्यादा होगा। जनघनत्व यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जनघनत्व यहाँ का अधिक है। और जो ये जलोढ़ मिट्टी है इसके इसमें पोटाश, फास्फोरस, पोटाश, फास्फोरस क्या क्या पाया जाता है इसमें? पोटाश है, फास्फोरस है और चूने की मात्रा पाई जाती है, चूने की मात्रा भी है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटाश, फास्फोरस और चूने की मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में हमने देखा कहाँ कहाँ पर है, संपूर्ण उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूर्वी तटीय मैदान जो महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित है। ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, अतः यहाँ गहन कृषि की जाती है और यहाँ का जनघनत्व भी अधिक है। इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूने की मात्रा है वो पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक दो पॉइंट और हैं जो हमारे जलोढ़ मिट्टी में है, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। देखिए इसमें फसलें कौन कौन सी होंगी, इसमें कौन कौन सी फसल होंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दलहनी फसल की, जो दाल वाली फसल है वो अपने इस मिट्टी में उसका उत्पादन अच्छा होता है। उसके अलावा चावल, गेहूं, इसके अलावा चावल, गेहूं, गन्ना व अन्य अनाज, वे अन्य अनाज अपने इस मिट्टी के अंदर उनका अधिक उत्पादन किया जाता है। और एक क्वेश्चन अच्छा याद रखना, इसमें दलहनी फसलें हैं उनके लिए ये मिट्टी है वो अधिक उपयुक्त है। अभी आगे हम जो मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे वो इसके अंदर देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के अलावा और कौन कौन सी मिट्टी है जो पाई जाती है। अभी हमने
एक मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ा और उस मिट्टी के प्रकार का नाम था जलोढ़ मिट्टी। जो दूसरा मिट्टी का प्रकार है डियर स्टूडेंट्स वो है काली मिट्टी। दूसरा जो मिट्टी का प्रकार है वो है काली मिट्टी। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इस मिट्टी का जो रंग होगा वो होगा काला। इस मिट्टी का जो उपनाम होगा वो है रेगुड़ मिट्टी। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका रंग होता है वो होता है मित्रों काला। अब हम पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि ये जो काली मिट्टी है वो काली मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण है। कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में अच्छा होता है। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में अच्छा होता है, या फिर जो काली मिट्टी है अपन कह सकते हैं कि वो कपास की खेती के लिए भी बढ़िया है। इसलिए जो काली मिट्टी है इसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर अपने ये काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखना स्टूडेंट्स, ये पाई जाती है अपने महाराष्ट्र में। इसके अलावा सौराष्ट्र, और जो सौराष्ट्र है वो है गुजरात में। काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, इनके अलावा मालवा, मालवा भी गुजरात में है हमारे। उसके अलावा ये मध्य प्रदेश यानी एमपी है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। एमपी व छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में है, मालवा भी गुजरात में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। एक चीज और याद रखना, दक्षिणी पूर्वी दिशा में यह है, दक्षिणी पूर्वी दिशा में यह है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, काली मिट्टी की? गोदावरी व कृष्णा, गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटी में, या कृष्णा नदियों की घाटी तक पाई जाती है अब हम देखते हैं इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पढ़ने लायक है। एक बार मैं पुनः रिपोर्ट कर देती हूँ। काली मिट्टी को रंग इसका काला होता है, उपनाम इसका रेगुड़ मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण पूर्वी भारत के हिस्से में ये मिट्टी गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक पाई जाती है। स्टूडेंट्स, दोबारा से देखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोक रोक कर भी इस पॉइंट को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब देखते हैं अपन काली मिट्टी से संबंधित और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे बचे हुए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है।
याद रखना, वो मिट्टी जिसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है उस मिट्टी को अपन काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी अपने कह देंगे। और ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी बारीक कण वाली, बारीक जिसको अपन महीन भी बोल सकते हैं, महीन कण वाली तथा बारीक महीन कण वाली है, बारीक महीन कणों से ये काली मिट्टी है जो बनी हुई है। और जैसे हमने पिछली मिट्टी के अंदर फास्फोरस पोटास और चूना की मात्रा की अधिकता देखी थी, वैसे ही हम देखते हैं कि इस मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है। स्टार डाल के लिखना, इसमें यानी काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटाश, मैग्नीशियम, पोटाश, सॉरी पोसास लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम, पोटास व चूना की, चूना सॉरी चूने की पर्याप्तता होती है, पर्याप्तता होती है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की पर्याप्तता होती है। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम? काली मिट्टी की। एक बार मैं पुनः आपको बता देती हूँ काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, इसका रंग होता है काला, इसका जो उपनाम है वो है रेगुर मिट्टी। अब देखते हैं कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये मिट्टी है महाराष्ट्र के अंदर पाई जाएगी, सौराष्ट्र में पाई जाएगी, मालवा के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहां ये गोदावरी और कृष्णा नदियों वाले भागों तक पाई जाती है। अब कौन सी फसल इसके अंदर उगाई जाती है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो फसल है हमारे कपास। और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता है वो भी सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या तत्व है याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की पर्याप्तता होती है। इसके बाद तीसरी जो मिट्टी हम पढ़ रहे हैं वो है लाल और पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। तीसरा प्रकार है मिट्टी का जो भारत में पाई जा रही है, उसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। याद रखना ये जो क्षेत्र है कि कहाँ पाई जाएगी, यह हमें सभी मिट्टियों में लिखना है। ये दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों, पूर्व है दक्षिणी हिस्सों में, दक्कन पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में रवेदार, दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार चट्टानों रवेदार आग्नेय चट्टानों, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना ये जो मिट्टी है दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिणी हिस्से में रवेदार जो आग्नेय चट्टाने हैं और वहां जहां कम वर्षा होती है वहां पर ये लाल और पीली मिट्टी है जो पाई जाती है। अगर अपने को राज्य पूछे इन क्षेत्रों के अंदर तो याद रखना है अपने को कि यह है उड़ीसा क्षेत्र में अपन पढ़ रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
मध्य गंगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान व मध्य गंगा का मैदान व पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पाई जाती है। ध्यान रखना दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिण हिस्से में, रवेदा रागने चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्र में, इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान और पश्चिमी घाट में ये मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग होता है ये किस कारण होता है। लाल रंग का कारण, लाल पीली मिट्टी के लाल रंग का जो कारण है वो किसके कारण है। देखिए ये जो रवेदार आग्नेय चट्टान थी जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, रवेदार आग्नेय चट्टान, रवेदार आग्नेय चट्टान तथा रवेदार आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टान, रवेदार आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार के कारण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमने, ये जो लाल कलर है इसका उसका कारण क्या है, किस मिट्टी का रंग है वो जो लाल दिखाई देता है उसके पीछे का रीजन है कि जो रवेदार आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान है उनमें लोह धातु पाई जाती है, लोह धातु उस मिट्टी के अंदर मिल जाती है, इसलिए इसका रंग है वो लाल दिखाई देता है। हमने पढ़ा लाल और पीली मिट्टी के बारे में, मैंने आपको क्षेत्र बता दिया है कहाँ कहाँ पाई जाती है, और एक मेन कारण हो गया इसका और एक मेन क्वेश्चन हो गया इसमें, किस मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है। जो आग्नेय और कैंपरी चट्टान है उसमें लोह धातु के प्रसार होता है, उसके कुछ तत्व होते हैं वो इस मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। उसके बाद तीन मिट्टी हमने पढ़ ली है, चौथी जो मिट्टी है हमारी, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, वो मिट्टी है हमारी लेटेराइट मिट्टी। चार नंबर पे जो मिट्टी आएगी वो आएगी हमारे लेटेराइट मिट्टी, चौथी मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उच्च तापमान, यह मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी यदि हमें पूछ ली जाए तो जहां उच्च तापमान है वहां और जहां अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्रों में हमें लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। अब हमें यदि क्षेत्र पूछ लिया जाए, राज्य पूछ लिया जाए कि ये कहां कहां मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, ओडिशा, एमपी, ओडिशा व असम के पहाड़ी भाग में पाई जाती है। क्षेत्र उच्च तापमान एक तो और जहां अधिक वर्षा होती है वहां, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, ओडिशा और असम के पहाड़ी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का प्रकार है डियर स्टूडेंट्स लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी पर
इसमें अधिक मात्रा में खाद व इसमें अधिक मात्रा में खाद व रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लेटर है मिट्टी है वो कठोर है, कठोर होती है उसमें, इसलिए उसमें अपन बहुत अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती का काम कर सकते हैं, अन्यथा वहां कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होगी। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम क्योंकि उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की कमी का रीजन है उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थ पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया उच्च बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं देखिए ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है जिसका रीजन है उच्च तापमान के कारण जो जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी के अंदर है वो ह्यूमस की मात्रा है वो कम पाई जाती है। पुनः बता देती हूँ आपको, जो लेटराइट मिट्टी है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यदि हमें राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, MP, उड़ीसा और असम के पहाड़ी भागों में ये पाई जाती है। इसमें अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही अपन खेती कर सकते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है जिसका कारण है उच्च तापमान होने के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। ये हमने इसमें मिट्टी का चौथा प्रकार पढ़ा है जिसका नाम था हमारे लेटराइट मिट्टी। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो पांचवा प्रकार हम मिट्टी का पढ़ रहे हैं वो पांचवा प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी, नाम से पता लग रहा है कि इसको रेतीली मिट्टी है जो अपने मरुस्थल में है और मरुस्थलीय मिट्टी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए क्षेत्र यदि इसका पूछ लिया जाए हमसे तो बिना सोचे समझे आप इसमें कश्मीर राजस्थान कर देना। क्षेत्र यदि अपने को इसमें पूछ लिया जाए तो मरुस्थलीय मिट्टी में अपने को करना है पश्चिमी राजस्थान। और ध्यान रखना इसमें सही तरीके से सिंचाई करके ही खेती की जा सकती है सही मात्रा में यदि हम इस मिट्टी के अंदर सिंचाई करेंगे तो ही इसमें उत्पादन होगा, अन्यथा किसी भी फसल का इसके अंदर उत्पादन नहीं होगा। किस मिट्टी की बात कर रहे हैं हम? मरुस्थलीय मिट्टी की। ये शुष्क जलवायु व उच्च
तापमान, जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान उच्च होता है, जलवायु आगे शुष्क होती है, ये शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प यहाँ उच्च शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ जल वाष्प की दर है जो अधिक है, और मिट्टी में इसमें लिख देते हैं अपन, इसमें ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होती है। याद रखना कोई उच्च तापमान आ रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें भी ह्यूमस नहीं होगा, और रेतीली मिट्टी जो पानी नीचे चला जाता है, रेत के कारण पानी जल्दी सोख लेता है, और इस क्षेत्र में बारिश है वो भी कम होती है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा है वो काफी कम होती है। और नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, इस क्षेत्र की बात हो रही है, ये नमक की मात्रा अधिक होने के कारण जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। ध्यान रखना नमक की मात्रा इस क्षेत्र में मिट्टी के अंदर अधिक है, इसलिए जल वाष्पीकृत करके इसे खाने का नमक भी बनाया जाता है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप इसको बाद में आप आसानी से नोट कर सके। छठी जो हम मिट्टी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस मिट्टी का नाम है वन मृदा, यानी वनों में पाई जाने वाली मिट्टी। क्रम देख लीजिए आप, छठा है, सातवां है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं वन मृदा, यानी वन वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी। यह मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र पर पाई जाती है, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको भी बताया मैंने कि वन मिट्टी है वन वाले क्षेत्रों में, और वन है वो हमारे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी भी वहीं पाई जाएगी। और एक चीज और पाई जाती है, जहां पर्याप्त वन हो तभी अपनी ये लाइन क्लियर हो पाएगी। अब मैंने जो आपको बताया है, जहाँ पर्याप्त वन हो उन पहाड़ी और पर्वतीय भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, वन मृदा। मृदा के गठन, वन मृदा की बात हो रही है, मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार, जैसा वातावरण पर्वतीय पर्यावरण नहीं लिखेंगे अपन, वातावरण के अनुसार बदलाव आता है। इस मिट्टी के अंदर गठन में पर्वतीय वातावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मिट्टी दोमट, नदी घाटियों में मिट्टी दोमट व सिल्टदार होती है, सिल्टदार होती है।
परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, मोटे कणों का। जो नदी काटी है वहां तो दोमट और सुंदरदार होती है, और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। और आप ऊपर लिखती हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। नदी घाटियों में यह मिट्टी, नदी घाटियों में यह मिट्टी निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में यह क्या, जो हम मिट्टी पढ़ रहे हैं, यह उपजाऊ होती है। ये मिट्टी है, मिट्टी नदी घाटियों में, मिट्टी निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों में ये उपजाऊ होती है। इसका जो प्रकार होता है वो उपजाऊ होता है। उसके बाद देखिए, हम इसमें आगे देखते हैं जो इनके प्रकार थे, पांच या छह प्रकार के बारे में हमने पढ़ा कि नदियों के जो प्रकार थे वो हमारे भारत के अंदर छह प्रकार की मिट्टियां थी, सॉरी नदी बोल दिया था मैंने, छह प्रकार की मिट्टियां थी जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है, और इनके अंदर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी हमने अभी पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मृदा अपरदन और संरक्षण है वो कैसे किया जाता है। मृदा अपरदन यानी मृदा अपरदन क्या है, पहले यही देख लेते हैं। मृदा अपरदन, देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का जाना, उसे हम मृदा अपरदन कहेंगे। मिट्टी का कटाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का जाना, उस क्रिया को कहेंगे अब मृदा अपरदन। अब देखते हैं इसके कारण क्या है कि ये मिट्टी है, इसका कटाव क्यों होता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कैसे चली जाती है। देखते हैं, उसके कारण है पवन, हवाओं के चढ़ने से, और पानी, नदियों में पानी के बहने से, हिम नदी यानी बर्फ की नदी, और जल, अपन पानी की जगह जल लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, पवन, जल और हिम नदी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन के मिट्टी के कटाव के यदि अपने को कारण पूछे, पवन है, जल है और हिम नदी है, ये मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में आते हैं। मानवीय कारण देख लेते हैं, ये तो प्राकृतिक कारण थे। जो मानवीय कारक है, जो मिट्टी के कटाव के लिए जिन्हें उत्तरदायी माना गया है वो देखते हैं हम। वनोन्मूलन, थोड़ी देर पहले भी अपन इसको पढ़ रहे थे, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, दूसरा अति पशुचारण, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण
पशुचारण, निर्माण और खनन, निर्माण और खनन आदि मानवीय कारकों में आता है, जो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। दो प्रकार के ये तो हमारे प्राकृतिक कारण थे, और जो दूसरे कारक है वो हमारे मानवीय कारक है, जिनके कारण मिट्टी का कटाव होता है। अब हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। मृदा अपरदन के बाद में अब इनका संरक्षण कैसे होगा वो देखते हैं। वही ये अपने उसी टॉपिक की तरह है, थोड़ी देर पहले जो अपन मिट्टी के अंदर पढ़ रहे थे वही है। संरक्षण यानी इसका संरक्षण कैसे होगा, जो हमने भूमि के अंदर पढ़ा था वही एक नंबर पे है। सोपान कृषि, सोपान कृषि इसको कहेंगे सीढ़ीदार कृषि। ध्यान रखना, ये सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सीढ़ीदार कृषि या जो सोपान कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा दूसरा है पट्टी कृषि, जो वृक्षों की जो सीधी लगातार कतारें हैं वो इसके अंदर लगाई जाती हैं। वो सॉरी पट्टी कृषि में नहीं आएगा, वो तो पेड़ों की श्रृंखला लगाना है। सोपान कृषि, सीढ़ीदार कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टी कृषि है, और तीसरा है इसमें पेड़ों को कतारों में लगाना, पेड़ों को कतारों में लगाना। ये है हमारे जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के उपाय। मृदा अपरदन मैंने आपको बता दिया, और उसका संरक्षण है वो कैसे किया जाएगा, उसके भी तीन कारक है मैंने आपको, तीन उपाय हैं जो मैंने आपको बता दिए। अभी हमने हमारी इन तीन क्लासों के अंदर जो पहला टॉपिक था हमारा सामाजिक ज्ञान की किताब भाग दो, भूगोल वाली जो किताब थी हमने उसमें पहला लेसन हमने पढ़ा जिसका नाम संसाधन और विकास था। फिर भी यदि आपको इस टॉपिकों को समझने में, इस पाठ को समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझसे कमेंट करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। और इस पाठ का जो होमवर्क है, पाठ के लास्ट के क्वेश्चन है, वो आप करने की कोशिश करना। फिर भी यदि नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को सोल्व कराऊंगी। धन्यवाद।